हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर से आगे की, जिसमें हम लोगों ने कॉम्पिटेंट सेल्स के बारे में बात की थी। देखा था कॉम्पिटेंट सेल्स प्रिपेयर कैसे होते हैं, केमिकल मेथड क्या होता है प्रिपरेशन का कॉम्पिटेंट सेल्स के, और इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा किस तरीके से कॉम्पिटेंट सेल्स प्रिपेयर होते हैं। आज देखेंगे कि इन कॉम्पिटेंट सेल्स के प्रिपरेशन के बाद उनको ट्रांसफॉर्म किस तरीके से किया जाता है। पहला जो मेजर एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजी में जिससे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, वो कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत वाला एक्सपेरिमेंट किया किसने, ग्रिफिथ ने 1928 में किया। इससे जुड़ता हुआ कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का, उसमें क्या होता है, और फिर लास्ट में इन सारी चीजों को हम लोग लिंक करेंगे जो आज का ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है उससे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का या ट्रांसफॉर्मेशन का। किस तरीके से इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, आइए ये देखते हैं। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने यूज किया था एक ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का नाम हम सबको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का, सबको इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है। अब इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है, सबसे पहला है रफ और दूसरा है स्मूथ। इसको शॉर्ट में हम लोग स्मूथ को एस लिख देते हैं और रफ को आर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी अगर हम लोग सब डिवाइड करें तो इसको आर वन आर टू आर थ्री लिखते हैं और भी आगे, और स्मूथ को हम लोग एस वन एस टू और एस थ्री लिखते हैं, इस तरीके से आगे लिखते जाते हैं। अब ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के दो स्ट्रेन्स यूज किए, एक तो रफ का आर टू यूज किया और स्मूथ का एस थ्री यूज किया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो माइस लिया था, माइस उनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को चार केसेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट केस में क्या किया उन्होंने, फर्स्ट केस में उन्होंने इसके अंदर माइस के अंदर एडमिनिस्टर किया आर वन, सेकेंड केस में माइस के अंदर एडमिनिस्टर किया एस थ्री, थर्ड केस में माइस के अंदर एडमिनिस्टर किया हीट किल्ड एस थ्री। ये एच के मैंने लिखा हुआ है, उसका मतलब है हीट किल्ड, और एस थ्री हम जानते हैं कि स्ट्रेन है यहां पे। और फोर्थ जो फाइनल जो उनका फाइनल जो इन्होंने वो केस लिया उसमें क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड एस थ्री और कॉम्बिनेशन दिया आर टू का, यहां भी आर टू मैंने आर वन लिख दिया गलती से, हीट किल्ड एस थ्री और आर टू का कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है। एक चीज इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्मूथ जो हम लोग स्मूथ और रफ की बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। स्मूथ का क्या मतलब हुआ, बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कैप्स्यूल की बनी हुई है। कैप्स्यूल किस चीज की, कैप्स्यूल किस चीज से बना होता है, पॉलीसेकेराइड का कैप्स्यूल होता है, और स्मूथ में ये पॉलीसेकेराइड का कैप्स्यूल पाया जाता है। इस पॉलीसेकेराइड कैप्स्यूल का बहुत ज्यादा रोल है, एक तो प्राइमरी रोल ये है कि वो इम्यूनिटी को, जो होस्ट की इम्यूनिटी होती है उसको एस्केप कर जाता है, इसलिए इसकी पैथोजेनिसिटी होती है, स्मूथ वाले की पैथोजेनिसिटी होती है। बट रफ वाले के अंदर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो नॉन पैथोजेनिक होता है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, स्मूथ और रफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को समझते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले केस में जब आर टू दिया था ग्रिफिथ ने माइस के अंदर, जब आर टू को एडमिनिस्टर किया तो क्या होना चाहिए, क्योंकि आर टू हमने बताया आर टू के अंदर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल R2 के अंदर नहीं पाई जाती है, रफ के अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं पाई जाती, वो नॉन पैथोजेनिक होता है, तो क्या वो डिजीज कॉज करेगा, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन क्या डिजीज कॉज करेगा, नहीं कॉज करेगा। और माइस इस केस में क्या होगा, सरवाइव होगा कि डेथ हो जाएगी उसकी, वो सरवाइव कर जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पे अलाइव लिख दिया पहले केस में, क्योंकि R2 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, R2 नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन था, इसलिए क्या हो गया, माइस बच गया, माइस सरवाइव कर गया, इसलिए मैंने यहां अलाइव लिखा।
दूसरे केस में रिजल्ट देखते हैं। एस थ्री जब हमने दिया, एस के एस क्या है, स्मूथ स्ट्रेन है, उसके पास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, पैथोजेनिक है, अब क्या होगा, वो डिजीज कॉज करेगा, इसलिए माइस क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तीसरे केस में हीट किल्ड एस थ्री, अब हीट किल से क्या मतलब हुआ, जब हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी जो माइस जो उसकी बैक्टीरिया है उसकी पॉलीसेक्राइड कैप्सूल क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिससे अब उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई, पैथोजेनिक नहीं रह गया, डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, तो क्या माइस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका, नहीं पड़ेगा, इसलिए माइस क्या होगा, सर्वाइव कर जाएगा। तो थर्ड वाला जो केस है जिसमें हम हीट किल्ड एस थ्री दे रहे थे उसमें भी माइस सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी। अब फोर्थ केस जो है सबसे इंटरेस्टिंग केस फोर्थ है, अगर आप अलग अलग इन लोगों को देखें, सबसे पहले इन्होंने आर टू दिया, आर टू का केस में क्या हो रहा है, माइस सर्वाइव कर जा रहा है, अलाइव लिखा है। हीट किल्ड एस थ्री केस में यानी कि जो थर्ड वाला केस था उसमें भी अलाइव माइस बच जा रहा है, तो फोर्थ केस में अगर हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके सोचें तो फोर्थ केस में भी माइस सर्वाइव कर जाना चाहिए या अलाइव होना चाहिए। लेकिन ग्रिफिथ को क्या रिजल्ट मिला, इस केस में उनको डेथ मिली, ये वाला माइस जिसमें फोर्थ केस वाला माइस जिसमें हीट किल्ड एस थ्री और आर टू साथ में दिया गया था वो माइस सर्वाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। अब इस रिजल्ट के बाद ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हीट किल्ड स्ट्रेन और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन देने के बावजूद भी माइस सर्वाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। एनालिसिस के बाद उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये सोचा कि जरूर इस हीट किल्ड एस थ्री के अंदर से कुछ निकल करके आर टू के अंदर गया है, जिसकी वजह से ये आर टू अब ट्रांसफॉर्म किसमें हो गया है, एस थ्री में, यानी कि रफ अब ट्रांसफॉर्म हो गया है स्मूथ में, क्योंकि क्योंकि जो फोर्थ वाला स्ट्रेन था उसमें क्या हो रहा है, फोर्थ वाला जो केस था उसमें क्या हो रहा है, माइस की डेथ हो जा रही है, रिजल्ट कैसा मिल रहा है, स्मूथ वाले की तरह मिल रहा है, जबकि हमने दिया क्या था, डेड एस थ्री दिया था और लाइव आर टू दिया था। फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा था, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने हीट किल्ड एस थ्री दिया था और साथ में इसके आर टू दिया था, आर टू में भी नॉन पैथोजेनिक है और हीट किल्ड एस थ्री तो लाइव ही नहीं है। तो उन्होंने इस चीज का एनालिसिस करके क्या इस कंक्लूड किया कि जरूर हीट किल्ड एस थ्री के अंदर से कोई चीज निकल के आर टू के अंदर गई है जिसने आर टू को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, फिर से बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ट्रांसफॉर्म का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, चेंज कर दिया है, आर टू को चेंज कर दिया है किसमें, एस थ्री में, जो कि पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक होने की वजह से ही ये क्या कॉज कर रहा है, किलिंग कॉज कर रहा है। तो ये तो ग्रिफिथ ने इतना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ग्रिफिथ पूरी तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पाए, वो ये नहीं बता पाए कि यहां से क्या निकल के गया आर टू के अंदर जिसने ये चीज की, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक इस एक्सपेरिमेंट के 16 साल बाद ये तीन साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, सन था 1944 में, ये तीन साइंटिस्ट आए और उन्होंने वापस जितना भी एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था उसको रीएनैक्ट किया, उसको दोबारा से करने की कोशिश की और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसमें जोड़े। आइए देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। जो फोर्थ केस वाला था, जो फोर्थ केस था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का जिसमें हीट किल्ड एस थ्री और आर टू दिया गया था, अब इन तीन साइंटिस्ट ने उस माइस को देखा, उस माइस के टिश्यूज को देखा, ऑब्जर्व किया और क्या पाया इसके अंदर से, इसके अंदर से ये पाया कि लाइव एस थ्री उनको देखने को मिले। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, ग्रिफिथ ने भी यही प्रपोज किया था कि एस थ्री मिल रहा है, लाइव एस थ्री है, और ये 16 साल बाद भी इन तीन साइंटिस्ट ने ये चीज कंफर्म की। अब इस एक्सपेरिमेंट के आगे भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या था, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ एंजाइम्स यूज किए, सबसे पहले प्रोटीएज,
दूसरा था आरएनएज, तीसरा था डीएनएज, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी से पहले बनाया था, एक फिगर में R2 लिखा था और हीट किल्ड S3 लिखा था, और इसके आगे हमने ये फिगर बनाया था कि हीट किल्ड S3 से कुछ निकल करके R2 में जा रहा है जो इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है S3 में। अब यहां पे अगर हम लोग सोचें, इन तीनों साइंटिस्ट ने, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी ने, इन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, जो इससे पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके इस फेज में इन तीनों को यूज किया। सबसे पहले केस में प्रोटीएज का यूज किया और देखा कि फोर्थ केस का जो रिजल्ट था, फोर्थ केस में क्या हो रहा था, माइस क्या हो रहा था, डेड हो जा रहा था, ये सरवाइव नहीं कर पा रहा था, माइस की डेथ हो गई थी फोर्थ केस में। अब अगर हम लोग देखें, प्रोटीएज उन्होंने यहां पर दिया, प्रोटीएज दिया, और प्रोटीएज से क्या होता है, प्रोटीएज का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। अब कायदे से अगर आप देखें, यहां पे अगर प्रोटीन होगा, हीट किल S3 से प्रोटीन निकल के R2 के अंदर गया होगा और उसने कन्वर्ट किया होगा या ट्रांसफॉर्म किया होगा S3 में R2 को, तो क्या होगा, प्रोटीएज देने के बाद वो चीज खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर प्रोटीएज दिया, अगर प्रोटीएज प्रोटीन होगा इसके अंदर, तो प्रोटीएज देने के बाद ये चीज खत्म हो जानी चाहिए थी, यानी कि अब जो फोर्थ रिजल्ट आ रहा था वो अलाइव हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अलाइव नहीं हुआ। इस केस में भी डेथ देखने को मिली, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, फोर्थ केस था, उसमें डेथ देखने को मिली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी चीज जा रही होगी वो कम से कम प्रोटीन तो नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट केस में आरएनएज दिया गया, यहां पे आरएनएज देने से क्या हुआ, अगर यहां पे आरएनए जा रहा होगा तो आरएनएज देने से वो टूट जाएगा और जो रिजल्ट आया था डेथ वाला वो अलाइव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस में भी वही सेम रिजल्ट रिपीट हुआ, यानी कि माइस की डेथ हो गई, ठीक है। अब फाइनली जो थर्ड केस था जिसमें डीएनएज दिया गया, उस केस में ये चीज रिजल्ट कन्वर्ट हो गया अलाइव में, यानी कि यहां से जो भी चीज जा रही थी R2 के अंदर वो डीएनए था, डीएनए था, यहीं से पता चला डीएनए वर्क्स एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्म करने के लिए डीएनए की आवश्यकता है, यहीं से पता चला। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ ने किया था, उसके बाद उसका एक्सटेंशन किया इन तीन साइंटिस्ट ने, तो यहां से ये क्लियर हो गया होगा कि डीएनए किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के काम आ रहा था। तो ये तो बात हो गई एक्सपेरिमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये भी मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जा रहा है, इन दोनों के अंदर प्लाज्मिड पाए जा रहे हैं पी वन नाम से, इनके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा। जब इनको साथ में रखा जाएगा तो क्या होगा, इस ये प्लाज्मिड जो इनके अंदर और इनके अंदर पाया जा रहा है वो यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली जीन ट्रांसफर हो रहा है, एक ही ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, जो कि जीन जब ट्रांसफर हो रहा है या प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक इसके उल्टा, जब एक पेरेंट से, जब एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर, ये पेरेंट मान लीजिए और ये ऑफस्प्रिंग मान लीजिए, जब एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर तरफ जीन का ट्रांसफर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल दिशा में हो रहा है, ये किस दिशा में हो रहा था, हॉरिजॉन्टल दिशा में हो रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक बैक्टीरिया से, यानी कि जो स्मूथ वाला था, उसके अंदर से डीएनए निकल के रफ वाले के अंदर जा रहा था, वो क्या था, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर था। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर तरफ जाता है, जिसको मेंडल ने डिस्क्राइब किया हुआ है, वो क्या है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब समझ लेते हैं इसको आज के ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल से कैसे चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जब अपने एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के बाद जब हमें कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट
किसी बैक्टीरिया के अंदर डालना होता है तो उसको इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। कॉम्पिटेंट सेल बनाने के बाद अपना जो प्लाज्मिड है हमारा या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब उसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी डिटेल के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।